हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फूडी मुडी। मैं हूँ परी और आज की रेसिपी है मिक्स वेजिटेबल रेसिपी। ये मैं ड्राई बनाने वाली हूँ, तो आइए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। मिक्स वेजिटेबल्स की सब्जी बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल ले लिया है 2 बड़े चम्मच, और इसमें आधा चम्मच हमने हींग डाला है, 1 चम्मच हमने मेथी के दाने डाले हैं, 1 हमने तेज पत्ता ले लिया है। अब इन मसालों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें हमने लहसुन कटे हुए डाले हैं, कटा हुआ अदरक डाला है और 1 हरी मिर्च, इसे भी हमने काट के इसमें डाल दिया है। मसालों को अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। मिक्स वेजिटेबल्स बनाने के लिए हमने इन सारी सब्जियों को अच्छे से धोकर काट लिया है। इन्हें बहुत बड़ा नहीं काटना है, इन्हें मीडियम साइज़ का काट ले अच्छे से। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। तो गोभी का कलर चेंज होने तक हम इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए गोभी का कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम आलू मिक्स कर लेते हैं और आलू को भी अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। साथ में ही हम बैंगन को भी ले लेंगे, बैंगन को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे और शिमला मिर्च भी ऐड कर लेते हैं। अब इन सभी वेजिटेबल्स को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं, क्योंकि नमक ऐड कर लेने से वेजिटेबल्स अच्छे से पक जाते हैं। तो हम यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर नमक ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें और इन सभी को अच्छे से चलाते हुए हम मिला लेंगे। अब इसे हम ढक्कन लगा के थोड़ी देर पकने देंगे। लगभग 5 मिनट तक हम इसे अच्छे से लो फ्लेम पे पकने देंगे और 5 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। तो देखिए 5 मिनट यहाँ पे हो गया है। इसमें हम मटर ऐड कर लेंगे और साथ में एक बार चला लेते हैं। तो वेजिटेबल्स को हम अच्छे से एक बार चला लेंगे और साथ में मटर को भी हम पका लेंगे। तो देख सकते हैं आप, यहाँ पे सब्ज़ी का कलर चेंज हो गया है और सब्ज़ी अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें हम पालक ऐड करेंगे। तो पालक को हमने अच्छे से कट करके इसे गर्म पानी से धो लिया है। अब पालक को भी हम ऐड करके इन्हीं के साथ में फ्राई कर लेंगे। तो इस तरीके से हम पालक को भी साथ में फ्राई कर लेते हैं। अब इसमें कुछ ड्राई मसाले ऐड कर लेंगे। तो ये हमने 1 चम्मच गरम मसाला लिया है, 1 छोटा चम्मच लिया है गरम मसाला। ये हमने 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर ले लिया है, 1 छोटा चम्मच हमने लाल मिर्च पाउडर लिया है और ये 1 छोटा चम्मच हमने इसमें हल्दी पाउडर लिया है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, ला लेंगे और सब्जी के साथ में इसे अच्छे से मिलाते हुए हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। मसालों को भी अच्छे से भून लेना है। जैसा कि मैंने कहा, सब्ज़ी बिल्कुल ड्राई बनाने वाली हूँ, तो इसमें मैं पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करूँगी और बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसे धीरे धीरे पकाते जाएंगे। तो सब्जी को थोड़ा सा हम फिर से एक बार ढक लेंगे और सब्जी को अच्छे से हम स्लो फ्लेम पे पकने देंगे। तो यहाँ पे देखिए हमने ढक्कन हटा लिया है और सब्जी को एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको एक बार सब्ज़ी को अच्छे से चला के इसे चेक करके आपको दिखाती हूँ। सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो देखिए हमने फिंगर से इसे तोड़ के दिखा दिया है, सब्ज़ी बहुत ही अच्छे से पक गया है। तो देखा आपने, झटपट ही सब्ज़ी बन के रेडी हो गया। अब इसमें ऊपर से धनिया डाल लें और इसे अब ढक दें। तो आज की रेसिपी आपको कैसे लगी प्लीज़ हमें बताइएगा। इस सब्ज़ी को आप किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं और ये सब्जी बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में।
तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।